एक 60 साल की महिला ने गए बेटे का सपना किया पूरा, अपनी ही पोती को दिया जन्म। आजकल सेरोगेसी का चलन बहुत आम हो गया है। जो लोग संतान पैदा करने में असक्षम होते हैं वो आजकल सेरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनने का सपना पूरा कर लेते हैं। हाल ही में सेरोगेसी से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आइए जानते हैं इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी। अमेरिका के नेब्रास्कन में रहने वाला एक गए कपल मैथ्यू एलेज और एलियोट डॉटरी दोनों एक बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। इस ख्वाहिश को पूरा करने में मैथ्यू की मां से एलेज ने मदद करने की इच्छा जताई। अपने बेटे के लिए सरोगेट मां का रोल निभाने वाली महिला से एलेज ने खुद ही अपनी पोती को जन्म दिया। आपको बता दें कि सेसिल की उम्र 61 साल है। उन्होंने बताया कि जाहिर है कि पहली बार जब उन्होंने सरोगेट मां बनने का प्रस्ताव दिया तो सब हंस पड़े। कुछ दिनों तक लोग इसे मजाक समझते रहे, लेकिन जब मैथ्यू ने फर्टिलिटी डॉक्टर को पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि मां का सरोगेट मदर बनना एक कारगर विकल्प हो सकता है। इसके बाद सेसिल को इंटरव्यू और कई तरह के जांच के लिए बुलाया गया। सभी जांच सही पाए जाने पर डॉक्टर ने सरोगेट मां बनने के लिए मंजूरी दे दी। मैथ्यू ने जहां सरोगेसी के लिए स्पर्म दिया वहीं उनके पति एलियट की बहन ने डोनेट किया। कई तरह की जांच और प्रक्रियाओं के बाद डॉक्टर्स ने सेरोगेसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मैथ्यू के स्पर्म और एलियट के बहन लियार्वी के अंडों का इस्तेमाल करके IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए भ्रूण को विकास किया और इस प्रक्रिया के माध्यम से मैथ्यू की मां ने 61 साल की उम्र में अपनी ही पोती को जन्म दिया।